हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे सुपर मेश एनालिसिस। इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए। इस सर्किट में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, 10 ओम रजिस्टर है, 5 ओम रजिस्टर है, 2 एम्पियर करंट सोर्स है, 3 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर। इस प्रॉब्लम में हमारा टारगेट है फाइंड दी करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। यहाँ पर देखिए, ये 5 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस आपको निकालना है नेट करंट। सबसे पहले आप पहचानिए कि इस सर्किट में कितने लूप है। यहाँ पर देखिए आप, लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकेंड, लूप नंबर थर्ड। इस लूप में मान लेता हूँ करंट I1 फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर I2 फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I3 भी फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस फर्स्ट लूप की आप इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट लूप की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? ये I1 करंट इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ 50। इस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस दो करंट पास हो रहे हैं, एक I1 और एक I2। तो इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा 10 I1 माइनस I2। 5 ओम के अक्रॉस भी दो करंट पास हो रहे हैं, एक I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक I3 पास हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 5 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो ये है हमारे लूप फर्स्ट की इक्वेशन, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे 10 I1, 5 I1, 15 I1 माइनस ऑफ 10 I2 माइनस ऑफ 5 I3 इज इक्वल टू 50। इस इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 3 I1 माइनस ऑफ 2 I2 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 10। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम इस साइड लिख लेते हैं। अब इस लूप के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम KVL इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लूप में ब्रांच में एक करंट सोर्स आ रहा है, और इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की क्या वैल्यू होंगी ये हमें नहीं मालूम है। ऐसे ही हम लूप नंबर थर्ड की इक्वेशन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस लूप में भी ब्रांच में एक करंट सोर्स आ रहा है, और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की क्या वैल्यू है ये हमें मालूम नहीं है। तो क्या करें? तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम इस ब्रांच को स्केप कर देंगे। इस ब्रांच को स्केप करके हम इन दोनों लूप को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे? हम मान लेते हैं ये है हमारा लूप 1 2 3 4। मैं ये वाला लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नाम दिया इसे 1 2 3 4। अब हम इक्वेशन लिखेंगे लूप 1 2 3 4 की। चलिए, तो हमें वही करना है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल्स टू 0। जब हम 1 से 2 जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 जाते हैं तो हमें 2 ओम रजिस्टर और 1 ओम का रजिस्टर दिखता है। तो अब इस 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा हमारा ट्वाइस I2, क्योंकि इस 2 ओम में सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है I2। इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा 1 × I3, क्योंकि यहाँ पर भी इस 1 ओम के अक्रॉस एक ही करंट पास हो रहा है I3। जब हम 3 से 4 जाएंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 से 1 जाएंगे तो हमें पहले दिखेगा 5 ओम का रजिस्टर। इस 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा आपका 5 I3 माइनस ऑफ I1। यहाँ पर हमने I3 माइनस I1 क्यों किया है? क्योंकि इस जब हम बड़े लूप को लेते हैं तो हमारा इस 5 ओम के लिए रिफरेंस करंट रहेगा I3। प्लस 10 ओम के अक्रॉस भी दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 करंट फ्लो हो रहा है और एक I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो 10 I2 माइनस ऑफ I1। इस बड़े लूप में, इस ब्रांच में I2 हमारा रिफरेंस करंट रहेगा, क्योंकि हमने I2 और I3 वाले लूप को कंबाइन करके एक बड़ा लूप बनाया है, इसलिए हमारा I1 डिफरेंस करंट नहीं हो सकता है, इज इक्वल्स टू 0। चलिए, अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 15 I1 प्लस 12 I2 प्लस 6 I3 इज इक्वल टू 0।
इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5 I1 प्लस 4 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप अननोन कितने हैं, 1 2 3, तीन अननोन और दो इक्वेशन। हम तीन अननोन को दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमें थर्ड इक्वेशन भी चाहिए। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए मैं इस वाली ब्रांच को इस सर्किट से अलग कर देता हूँ। इसको जब सर्किट से अलग करेंगे तो ये वाली ब्रांच कुछ ऐसी दिखेंगी आपको इस टाइप से। अब ये देखिए आप, ये 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है, ये 3 ओम रजिस्टर है। आप सर्किट में ये देखिए कि इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितने करंट पास हो रहे हैं। इस 3 ओम के अक्रॉस एक I2 करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में I2, और एक I3 करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में I3। अब आप बताइए इस 3 ओम के अक्रॉस नेट करंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, I2 माइनस ऑफ I3। ये I2 माइनस ऑफ I3 इस 3 ओम के अक्रॉस है करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए इस डायरेक्शन में एक और करंट है 2 एम्पीयर का। ये करंट सोर्स और ये 3 ओम रजिस्टर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो ये करंट भी इसी ब्रांच में फ्लो हो रहा है और ये करंट भी इसी ब्रांच में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम दोनों करंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख देते हैं। इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे हमें तो मिलेगा 0 I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2। ये है हमारी इक्वेशन थर्ड। अब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको I1 की वैल्यू मिलेगी 20 एम्पियर और I3 की वैल्यू मिलेगी आपको 15.33 एम्पियर। अब आप देखिए आपका टारगेट था 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट निकालना था, तो मैं I5 ओम, इसका मतलब है कि करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, इस करंट की वैल्यू होगी इस 5 ओम के अक्रॉस कितने करंट पास हो रहे हैं, एक I1 पास हो रहा है और एक I3, I1 डाउनवर्ड I3 अपवर्ड। तो नेट करंट क्या हुआ इसके अक्रॉस, I1 माइनस I3, और नेट करंट क्या रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने I1 को रिफरेंस करंट लिया है जो कि डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो अब I1 और I3 की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा ये 4.67 एम्पियर। तो ये है आपका आंसर।